तो अभी वक्त हो गया है 7:15 और हमारा प्लान ये है कि हम अभी फ्रेश नहीं होंगे और अभी होने की बजाय हम थोड़ा मार्केट देखते हैं आसपास, देन फिर डिनर विनर करके एक बारी में अच्छे से नहा धो के सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह हमें ले घूमना है। तो आइए यहाँ का मार्केट सर्च करते हैं, दिखाता हूँ आपको इधर का मार्केट। सामने होटल ले पैलेस के पास ये टी शर्ट की शॉप है। अभी कितने बजे तक आइएगा? अभी 9 बजे तक आइएगा। आ जाएंगे? बना दूं। आज भी अभी बन जाएगा? बना दूं। बना दोगे? ठीक है, आज बना दो, बढ़िया है। तो ये भैया, भैया आपका नाम क्या है? कलीम। सॉरी, कलीम। कलीम, ये कलीम भैया है, यहाँ पे अकेले ही यहाँ पे खुद मैनुअली बनाते हैं टी शर्ट्स। ये देखिए लद्दाख वगैरह की बहुत सारी इनके पास प्रिंट वाली शर्ट्स हैं, तो आप अगर आपको टी शर्ट्स यहाँ से लेनी है तो आप ले सकते हैं ये खुद ही विद इन 1 or 2 hours। और अगर ज़्यादा उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी वाला काम है तो वो 1 दिन लेते हैं कम से कम। बढ़िया, देखिए काफ़ी अच्छी टी शर्ट्स हैं यहाँ पे, आपको अच्छे अच्छे प्रिंट्स देखने को मिलेंगे, सामने लगे हुए हैं। और मेरा फेवरेट ये था हाउ आई गॉट लेड। और ये जूले लद्दाख काफ़ी अलग अलग प्रिंट्स हैं, तो जो भैया इधर हैं इनसे आप बनवा सकते हैं और ये फटाफट बना भी देते हैं। ये इसका प्रिंट आ चुका है, अब इसको अच्छे से एम्ब्रॉयडरी करेंगे इस पर, और ये हमें कम से कम 2 घंटे के अंदर दे देंगे। मेरे अकेले की नहीं, मेरे भाई लोगों की टी शर्ट बना के दे देंगे, तो काफ़ी तेज़ काम करते हैं भैया। और भैया को हमने ऑर्डर दे दिया है एंड जो कि हमें 9 बजे तक मिल जाएगा, अभी 7 बज रहे हैं। तो मीनवाइल हम मार्केट देख के और कुछ खा पी के वापस आएंगे। तो अभी हम आए हैं लेके मेन मार्केट में एंड यहाँ कुछ बैंड बैंड का प्रोग्राम चल रहा है आर्मी वालों का। देखिए और अब हम इस लेके मेन मार्केट में हैं और ये देखिए मेन मार्केट और आसमान देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ के मोमोज खाने डाले हैं कि लद्दाख के मोमोज देखे जाए कैसे होते हैं, दिल्ली वाले लद्दाख के मोमोज खाएंगे अब। तो आखिरकार हमें मोमोज मिल गए मोमो नेशन में एंड लेट्स सी कैसे होते हैं, कुछ अलग होता है कि नहीं होता। और सी द मोमो, ये वेज मोमो है बाद में। डिसेंट है, ठीक ठीक है। इसके अंदर शायद ग्रीन्स बहुत हैं,
पत्ता गोभी वगैरह, वो लद्दाख में मोमोज़ खाने का मज़ा अलग ही है, बेशक वो मोमोज़ डिसेंट ही क्यों ना हो। तो अभी 8 बज रहे हैं और मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है, हो ही रहा है एक्चुअली। और मेरे को यहाँ पे लैपिंग खाने का मन था, लैपिंग जो कि तिब्बतन डिश है, जो कि मजनू का टीला में मिलती है, मैंने फर्स्ट टाइम खाई थी। एंड मेरे को लगा कि लेह में तिब्बतन फूड ज़्यादा अच्छा मिलेगा, मैं गया था अपने भाई को लेकर ट्राई कराने, बट वो बंद था, मतलब बंद नहीं था, वो मिला नहीं वहाँ पे, क्योंकि सुबह मिलता है यहाँ पे। तो अगर आपको लैपिंग ट्राई करना हो तो सुबह आइएगा, होपफुली कल सुबह आके ट्राई करूँगा मैं अपने भाई को। तो अब पेट पूजा करने के लिए हम पहुँचे बिरयानी क्वीन पे, बट यहाँ पे हम बिरयानी नहीं खाने वाले, क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ की बटर चिकन बहुत अच्छा है यहाँ का। एंड तो यहाँ पे चल के थोड़ा 8 बज गए हैं, डिनर करते हैं एंड देन फिर रूम पे जाके फ्रेश होके मस्त सोएंगे और कल सुबह लेह एक्सप्लोर करेंगे। सी या। हमने मंगाया था बटर चिकन जो एक स्पेशलिटी थी, और पनीर, तो पनीर और बटर चिकन बनाया खाया था, क्या बोल जा रहा हूँ, एक्चुअली दिमाग बंद हो गया एकदम, इतनी थकान हो गई है, बाप रे बाप। सो अबाउट द रिव्यू ऑफ द फूड, बटर चिकन मतलब इतना सुना था, मतलब कि लोगों ने बोला था कि इसका बटर चिकन अच्छा होता है, बट वॉजन्ट दैट गुड, बट इट्स गुड। बट पनीर जो मंगाया था इट वॉज टोटली वेस्टेज, वो हमने नहीं खाया, थोड़ा ही खाया, तो बस यही है। और अभी हम आए हुए हैं बाइकर गली में, यहाँ से अपनी स्कूटी उठाएंगे, यहाँ पे हमने स्कूटी की बात कर ली थी ऑलरेडी, एंड एक हमें एक जगह से तो मिली नहीं, तो हम कल कहीं और से उठाएंगे, आज एक उठा रहे हैं। तो ये है हमारी बाइकर गली, अरे वाह ये बाइक अभी ले लेगा, रिवर्स ले जा रहा था। इस गली में आपको बाइक्स मिलेंगे रेंट पे, किसी से पूछ लेगा लेह में आके बाइकर गली किधर है, आपको यहाँ पे अगर बाइक स्कूटी कुछ भी चाहिए यहाँ मिल जाएगी। तो इसको जांगस्ती रोड भी बोला जाता है बाइकर गली के अलावा, एंड इनटू हिमालयाज ये दुकान है जहाँ से हम स्कूटी उठा रहे हैं, एंड एक स्कूटी आज उठा रहे हैं और कल देखो बाइक या फिर स्कूटी जो मिल जाए वो उठाते हैं, और पॉसिबली ये भी हो सकता है कि हम यहीं से उठा लें। तो मांग गई हमारी एक्सेस, तो हमने लद्दाख ट्रिप में घर से फाइनली जाके एक स्कूटी ली है, और जो एक स्कूटी है वो भी यहाँ से ले सकते थे, बट हमने पहले ही किसी को एडवांस दे दिया है पे करने का स्कूटी का एक जगह पे, तो वो मैं कल उठानी है वहाँ से, तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही ली है। यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लेंगे आपका और ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, तो ये अपने साथ कैरी करना ज़रूरी है। और राइडर जो है हेलमेट सिर्फ राइडर को देते हैं लोग, क्योंकि पिनियन को नहीं देते हैं लोग, तो सिर्फ राइडर को हेलमेट मिलता है, पिनियन को नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड दिया है, मेरा आधार कार्ड, तो ये तब तक रखेंगे जब तक हम इनकी स्कूटी वापस नहीं कर देते, तो हमने कल तक के लिए स्कूटी ली है। तो भैया ने मेरे को एक एडवाइस दी, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइमिंग ऑफ रिटर्न बाइक, बाइक रिटर्न करने का टाइम 8 बजे है और उससे एक घंटा भी ऊपर होता है, तो हर घंटे आपके 300 रुपये लगते रहेंगे, और ये इनके रेट्स हैं आप देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, एंड ये हमारा बॉन्ड है इसमें हमारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, इसकी फोटो खींच लो। इसकी स्लिप मेरे पास है और ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास दे दिया इन्होंने, तो या भैया ने एक ऑप्शन दिया मेरे को हेलमेट चूज करने का, तो हमने ये हेलमेट चूज़ किया है स्टड का, और इस पर ISI मार्क है, देखिए, और ये हमारी स्कूटी रेडी है। तो
उसकी एक बार टेस्ट ड्राइव लेंगे कि सब सही है कि नहीं है। और ये मैं रेडी हूँ राइड के लिए। इस फोर्ट का स्कूटी अच्छी लगती है इसके साथ, तो मैं अपने होटल तक जा रहा हूँ और उसकी टेस्ट ड्राइव लूँगा कैसी है ये, तो देखते हैं कैसे चलती है ये। तो अभी मैं खो गया था क्योंकि मेरे को अपने होटल का रास्ता नहीं मालूम था और मेरे को स्कूटी ले जाने के लिए बोल दिया था, जो कि आई डोंट नो, बट मैं खो गया था एंड आई फ्रीक्ड आउट एंड मैं 15-20 मिनट तक मैं ढूंढता रहा कहाँ है होटल, एंड फाइनली मेरे को मिल गया। एंड घुमा इसलिए था क्योंकि मेरा नेट नहीं काम कर रहा था एंड गूगल पे मैं सर्च नहीं कर पा रहा था कहाँ पे है मेरा नेट। सो फाइनली आई रीच्ड माय होटल एंड दिस इज़ इट। आज का दिन काफ़ी थकान भरा था एंड बहुत ज़्यादा टायरिंग था, खैर दोनों एक ही बात है। ओह माय गॉड, आई डोंट नो, अभी तक ये हाल है, अभी तो कैंपिंग करनी है, बाप रे बाप, पता नहीं कैसे होगा। ओह गॉड, बहुत ज़्यादा थकान रहा दिन था। कल हम लेह की लोकल साइट सीइंग करेंगे, इसीलिए हमने स्कूटी ली थी एंड दिस इज़ इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें और लोगों को बांटें, लोगों से शेयर करें ये वीडियो, ताकि वो भी ये सब देख पाएँ, ताकि वो कभी आएँ तो उन सब लोगों को पता हो कि कहाँ पे क्या करना है। एंड दिस इज़ इट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट एंड जुलाई, बाय।